तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हो, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आज का ये व्लॉग है माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ नेक्स्ट लेवल का दिखाने वाला हूँ। और मैं जा रहा हूँ अपना टूर पे, और वहाँ जाके लोगों की बकरियाँ चल रहे, गाय चल रहे, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि इस चोलिस्तान डेजर्ट में हमेशा बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है, तो मेरी हमेशा यही विजन रहती है मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन दिखाऊँ। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसकी मत कीजिए। देखिए यहाँ के जो भी लोग हैं, जो चोलिस्तान डेजर्ट वाले जो भी लोग हैं, वो अपनी कैसी ज़िंदगी अपना गुजारते हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन वीडियो होने वाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज ये देखिए आप, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, और वहाँ पर आप लोग जो फॉर्म दिख रहे हैं वो सारे लोगों के फॉर्म हैं। और ये है साइड में रेन ऑफ कच्छ, इतना बेहतरीन व्यू है ये। तो गाइज़ अभी हम किसी फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद उसका जो भी व्यू देखने को वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन व्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है और साइड में लोगों की फॉर्म है, तो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ अपना किसी फॉर्म में, और यहाँ से जो भी व्यू देखने को मिल रहा है आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, ये है अपना, इसको हम अपनी लैंग्वेज में गुआर कहते हैं। तो ये है गुआर। ये देखो गाइज, यहाँ पे लोगों की फॉर्म, और उसके आगे थोड़ा सा अपना रेन ऑफ कच्छ, उसके आगे माउंटेन, कितना बेहतरीन व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखो गाइज, फॉर्म के अंदर अपना सेंटर में कितना बेहतरीन कुंडी लग रही है, ये देखो आप। ये देखो गाइज, अभी मैं रेन ऑफ कच्छ के अंदर आया हूँ, ये देखो कितना बेहतरीन व्यू देखने को मिला, क्योंकि अभी रन में पानी नहीं है, अभी बारिश अभी कल ही ख़त्म हुई, तो उसमें पानी जो है वो सारा निकल गया है। और वैसे तो पानी पीती नहीं है, क्योंकि पानी फुल पी पी के फुल पड़ी थी, इसलिए पानी सारा जो निकल गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना थोड़ा आगे, और वहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये सारा गुआर ही गुआर है, कितना बेहतरीन गुआर है। तो गाइस चलते चलते हमको एक गिद्रा नज़र आ गया है, ये देखो आप। ये देखो गाइस, इतनी बेहतरीन वारी है, ये देखो। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों के गाय चल रहे, वो आप लोगों को दिखाता हूँ कितना बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है। तो चलिए, केड़ा हाल, खुश खैर, नाम की थारो अशराम। तो गाइज ये है वशराम, अपना गायों को चराने के लिए आता है। तो चलिए आगे दिखा हमको गाय। ये देखो गाइज, इस डेजर्ट में सारे गाय ही चल रहे हैं, ये देखो। अच्छा 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 अच्छा, खुजली हो रही है नी। चलो चलो। तो गाइज ये बंदे अपना गायों को चराने के लिए यहाँ आते हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं, इस डेजर्ट में ऐसे ही गायों को चराते हैं, और ऐसा ना करते इसको शाम को दूध नहीं मिलता, और घर वाले आने नहीं देते, इसलिए सारे जो बच्चे हैं तो वो अपना गाय चराने के लिए, सारे तो नहीं आते लेकिन उसमें कुछ चुने हुए आते हैं। तो तुम्हारा था नाम की, तुम्हारा नाम वरजांग, तुम्हारा नाम विष्णु, बोले विक्रम। तो विष्णु, वरजांग और विक्रम, अपना वशराम, ये चारों बंदे आए अपनी गायों चराने के लिए। बापू नमस्ते, नमस्ते। केडाल खुश खैर, तबीयत ठीक? अच्छा, यहाँ किस लिए आए आप? बकरियों को चराने के लिए। अच्छा, बकरियों को चराने के लिए। किस टाइम जाओगे घर? शाम का। अच्छा, शाम को। तो ये व्यूअर आप देख सकते हैं, ये अपना मक्कू साहब अपनी बकरियों को चराने के लिए आया है, और शाम को जाएगा। आपको प्यास प्यास नहीं लगी? नहीं नहीं। अच्छा, खाना वगैरह खा लिया क्या? और ये अपना अपना पानी का बादला, और इसमें कुछ इसने बर्तन रखे हुए, ताकि इसको जब भी चाय की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ अपने खुद पकाता है, और चाय भी खुद करता है, ऐसा ही है। तो गाइस हमको दो ही बंदे मिले हैं, और एक मुकेश साहब, अपना मक्कू मक्कू कहते हैं लेकिन मैंने इसका नाम मुकेश रख दिया है। तो अभी जा रहा है अपना बकरियों में दूध निकालने के लिए, और हमको चाय भी लाएगा, और मैं आप लोगों को जैसे दूध निकाल के आएगा वो आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस जैसे मैं इनके साथ आया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी वो कसम से नेक्स्ट लेवल है। और अभी ठंडी हवाएं चल रही है, तो इतनी गर्मी भी नहीं है, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, अपना 5 बजने वाले, तो इतनी गर्मी भी नहीं है,
तो चलिए ये देखो गाइस, मुकेश साहब अभी बकरी से दूध निकाल रहा है। मुकेश यार बहुत ही अच्छा बंदा है, नहीं तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ इन भाइयों के साथ, और ये जो बंदे अपना आग जला रहे हैं चाय करने के लिए,